तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं चुपके चुपके के एपिसोड 2 के पार्ट 3 के ऊपर, ठीक है। तो जो भी लोग नए आए हैं चैनल पे, आज पहली बार हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं और इस ड्रामा में इंटरेस्टेड है, तो उन्हें बता दूं कि पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड आज इस वीडियो में खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम तीसरा एपिसोड सीधा कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने भी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो एक बार जाकर आप उन वीडियोज को भी चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है और आज की वीडियो में एक सस्पेंस भी था, ठीक है, जिसमें वो फाजी भाई के घर चले गए थे, ठीक है, वो शादी की बात कर रहे हैं, दूसरे घर की चाची हैं, ठीक है। तो अब वो क्या जवाब देते हैं, वो किससे बात कर रहे थे फोन पे, आज वो सारी चीजें क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो एक्साइटेड हूं मैं उस चीज के लिए। फिलहाल आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियंस और फीडबैक जरूर दिया करें, उनसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है चीजों को समझने में, ठीक है। रेगुलरली सुबह सुबह नई वीडियोस आ जाती है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हर एक जगह पर आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करो। सभी बातों को साइड पे रखते हैं, मुद्दे पर आते हैं, इसे देखते हैं और आखिर में इसके ऊपर बात करेंगे। अकल आई जाए बेबे, नीनू जो है ना मरवा दे, इतनी लंबी जबान है गुल की। यहाँ पर छोड़ा था हमने कल, कोई डरने की जरूरत नहीं आप लोगों को, नेक परवर की बहू हैं आप लोग, चले भाई चले, शाबाश आ जाए। एक्साइटेड हूँ मैं यार, किससे बात कर रहा था वो? तुम तो इधर आओ, पार्टी करते। ओ बल्ले 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 नाचे है ये सावला पिया, बल्ले बल्ले ले जा। इनको यही पहले बता देगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हादी भैया फरमाइए। सुने उस्ताद जी का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? उसके चक्कर का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर चकरा गया। हादी भैया पापड़ खाएंगे? ये क्रच क्रच अंदर जाके करो, एक जरूरी ईमेल कर रहा हूँ। अरे छोड़े ना, नौकरी शौकरी का रियलिस्टिक रियलिस्टिक इंटरव्यू देकर जाती हो या चच्ची को बुलाऊं? आपकी चच्ची ना एक जरूरी मिशन पे गई हुई है, बस दुआ करें कि उस्ताद जी के सेहरे के फूल खिल जाए और मेरी जान छूटे इस मैच से भी और उस्ताद जी से भी। हादी भैया ये फोन तो दे दें, गेम खेलूं। मेरा मोबाइल गेम्स खेलने के लिए नहीं है। कोई कॉल बोल तो आती नहीं है। निकलो दो यहां से, भाई निकलो। यार इनकी तो बेइज्जती करते रहते हैं सभी, इनकी शादी नहीं हुई है, इसको तो डबल होती है, इसकी जॉब भी नहीं होती। तुम्हारी बेबी ने तुम दोनों को। जी जी मिशी बेटा कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक हूँ। अब तो उसके पैर का दर्द भी खत्म हो गया है। दो कदम पे तुम्हारा घर है, पूरे 2 हफ्ते बाद चक्कर लगाया। वो अब मसरूफी थी, कुछ ऐसी थी, हादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। आपकी मुलाजमा चंबेली नहीं नजर आ रही। वो कमबख्त, वो तो अपने मामू के चौथे बेटे की शादी निपटाने गई है। पता नहीं लोगों को आजकल इतने रिश्ते कैसे मिल जाते हैं। हम तो खुद हादी के रिश्ते की तलाश में हैं। तो यहाँ देखे ना चाची जान। क्या रिश्ता? नहीं नहीं, टीपॉट गुलापा लाइए, गुल प्लाट। इसको पसंद है हादी। अच्छा मुझे कल ही पता चल गया। पता नहीं कब गूंजेंगी इस घर में शादी की शहनाइयां। कोई ढंग का रिश्ता मिले तो इसी एतवार कर दूं मैं तो फाजी की शादी। एक मिनट ना रुको। बड़ों को यार कितना चाह रहा था। पूछ लें, क्या पता उसे कोई लड़की ही पसंद हो। अरे चाची हमारा फाजी ऐसा नहीं है, आज तक उसने आंख उठा के किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। वो भाभी का मतलब था बार दफा आसपास में कोई लड़की होती है जो नजर में हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारा बच्चा आसपास की लड़कियों को ताड़ता फिरता है। नहीं नहीं उफ अल्लाह अम्मा, चची जान का कहने का मकसद ये है कि आसपास की लड़कियों को देखना चाहिए रिश्ते के लिए। देख तो मैं चुकी हूँ और सारा चांद बुरा ही है, हमारा फाजी लाखों में एक है और माशाल्लाह नौकरी भी बहुत अच्छी लगी हुई है। तो जब लड़की हम चुनकर लाएंगे फरमाबरदार होगी, खूबसूरत होगी और अपने मियाँ की बहनों से भी खूब मोहब्बत करती होगी, क्यों अम्मा? ये चुनाई जरा जल्दी कर लो, ये ना फाजी की उम्र निकल जाए। मेरे ख्याल में कनीज हम अब हमें इजाजत। अरे इन्होंने बोला ही नहीं यार। अरे चाय तो पीकर जाएं। नहीं नहीं बेटा बहुत शुक्रिया, ये तो पंगा हुआ ही नहीं जो हम चाह रहे थे। बाय 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 बाय, छोड़ कर आओ मिशी ना चाय पी। देखा अम्मा कैसे टो लगाने आई थी दोनों जासूस कहीं की।
नहीं चाहिए था। बेइज्जती करा दी। क्या हुआ, मना लिया अम्मा को? हाँ मैं मैं जलील करा दिया। अरे क्या मतलब? अरे अम्मा जो है ना वो पीछे ही पड़ गई पंजे झाड़ कर। अब वो गुल के ताने सुने थे हादी की बेरोजगारी के। कनीज मुझे तो लगता है अपने भाई का रिश्ता ही नहीं होने देंगी। अरे कुछ बताए तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, वो जा रहे किसी और लड़की को देखने। क्या वो पागल तो नहीं हो गए? रोक लो अगर रोक सकती हो। आए माँ सच के जाए, आ गई मेरी दोनों बहुएं अपनी छोटी अकल वाली छोटी सास को समझा के। हैं हेलो, ये कैरेक्टर है यार, वन ऑफ माय फेवरेट। गिट्टे गोटे तुम्हारे ठीक है, सही लग रही हो, सुनाओ फिर। बेबे आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो। पुत्र होछे घर का खाना सारी उम्र का ताना। नीनू ने मरवा दिया। नीनू तेरा बेड़ा था। नीवी नीवी होके निकल यहां से, चल। नीवी नीवी ना बना कर तू, चल जा। ए मेरे को बता ना ये नीवी नीवी क्या होता है, जल्दी जल्दी। इसकी तो नौकरी भी है, इसकी फिर भी नहीं हो रही। और ये पिटेगी यार, ये पंगा खुद को फंसवा के ही मानेगी। बोलो फाजी भैया, मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, आगे बताओ। ये बात नहीं है, मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करूंगा किफायत चाचा से किसी भी उठपटांग मामले में, आगे बताओ। वो ये बात क्या इंप्रेशन है यार फैमिली पे, जल्दी बताओ ना, फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। वो ना गुलापा और अम्मा आपके लिए किसी लड़की का रिश्ता देखने गई हैं। तो मतलब किसी और लड़की का रिश्ता देखने गई हैं? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मसला बेटा मुझे तब होगा जब तुम आज के टेस्ट में फेल होगी, इसे प्लीज जाकर तैयारी करो। अब ये कुछ और इससे भी बड़ा सोचेगी। बुजदिल कह के इनका सारा जोर ना सिर्फ मुझ पे चलता है, मुझ मासूम पर। ठीक कहती है मीनू, लड़की तो बड़ी कूल है कि दुनिया बड़ी फसकूल है। ना होगी इनकी शादी और ना जान छुटेगी मेरी इस ट्यूशन से। ये तुम्हारी टकरों के ऊपर अगर टैक्स लगता होता ना तो मुल्क का आधा कर्जा उतर जाना। सही बात है, चलो सही बात है, कर्जा भी मैं ही उतारूं। तो और कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर, बता देना अम्मी को, बाहर जा रहा हूँ मैं। लगा दी ना जिम्मेदारी, जाके पढ़ो तुम। देखो बस काम काम काम। मिस्कीन इधर आओ। जी सरकार आ गया। ये रखो और इसको घुमा मत देना, इसमें बहुत कीमती सामान है। इसका कैरेक्टर क्या है बेचारे का। मिस्कीन गाड़ी ठंडी कर, गर्म गाड़ी में बैठने का मूड नहीं हो रहा मेरा। गाड़ी ठंडी कर, ठंडी करके आया। दादा मस्के ना लिया करो, जल्दी जाओ गाड़ी लेकर आओ। हाँ चलो चलो। ठंडी कैसे करेगा, फूल सा फूल लगाया हुआ है, एसी खोल के। जीवन डे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे अभी खुद बोलेगी, अभी खुद बोलेगी। अपने बेबे को जरूर बता। सुनो तुम हादी से क्यों नहीं पढ़ती? हाँ वो तो बिजी रहते ना अपनी जॉब की वजह से। अब तो हमारा फाजी भी बिजी हो जाएगा अपनी शादी की वजह से, बस दुआ करो आज बात बन जाए। क्या फायदा जब दिल ही खुश ना हो। है? पागल तो नहीं हो गई है ये? अरे पागल कहाँ जा रही हो, ट्यूशन पढ़ने। फाजी घर पर नहीं है, तुम्हें नहीं पता? मुझे कौन बताएगा, वो ऑफिस गया हुआ है। मतलब छुट्टी। इसका पूरा खानदान जाहिल है, ये पढ़ के क्या करेगी। उसको आप जाहिल कह रही हैं? खुद आप गुलदान बनी हुई अम्मा। तेरे दाजी मरहूम की याद में लगाए हैं। उनकी याद में कुरान पाक पढ़ लिया करें। पत्ते आपको फैक्ट। हाँ तो पढ़ती हूँ। वो करो जिसका फायदा हो। करा के पढ़ूं क्या? बुआ बुआ गाड़ी ठंडी थी गई है, हमें देर हो रही है, चलने का प्रोग्राम नहीं है। हाँ चलो 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 चलो। इसकी लुक क्या जबरदस्त है यार, इसके हस्बैंड की। अब से पढ़ेगी कुरान शरीफ। लो जी माशाल्लाह, गुलापा को फाइनली लड़की पसंद आ गई। क्या दिखा दिखा, देखना इस बार लड़की पसंद आई है वो कुछ कर देगी। ये देख इंस्टा के अकाउंट देख लेना, वो कुछ पंगा करेगी और रिश्ता टूट जाएगा। कोई 25 से एक शेर आ चुके हैं अभी तक प्रोफाइल के ऊपर। क्या मतलब? अर्ज किया है वजन की परवाह नहीं, वजन की परवाह नहीं, डॉलर की तलाश है। वाह 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 वाह। क्या वाह, ये देख ले खुद भी देख ले, कोई 25,000 और पिक्चर्स भी है टेडी बियर के साथ। ओ हमें भी दिखाओ है। एक और शेर बड़ी जोर से आया है मैडम को, कर समाप्त फरमाइए। रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर, रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर,
तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया। वाह भाई वाह, मैं तो कहता हूँ भाभी के घर में आती महफिलें सजा करेंगी, मजा आ जाएगा मजा। मुझे मजे सूझ रहे हैं या मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है? और गुलाबा वहां बैठी भी जवाब मांग रही है मेरा। मैं तो कहता हूँ इसको जवाब ही दे दे। ऑब्वियसली यार, मुझे एक सेंसिबल और वेल एजुकेटेड लाइफ पार्टनर चाहिए, इससे क्या शादी के बाद ट्रकों के पीछे शायरी कराऊंगा मैं। चुप कर। तो मैं भी चुप हो गया। मेरी जिंदगी ये बात मुझे नहीं, अपनी बहनों को समझाओ। लो जी, आपा तो वारी सद के जा रही है इस लड़की पर, लगता है फाइनली कराकर छोड़ेंगी। क्या बोलूं? ओ, रूमी की कॉल आ रही है। अबे डरते यार, तेरा मसला हल कराता हूँ मैं। क्या मसला? क्या कर रहा है? हेलो छोटी, कैसी हो? हादी भैया बात कर रहा हूँ। तुम आई नहीं आज? क्या तुम्हें नहीं पता फाजी के लिए लड़की फाइनल कर दी गुलाबा ने? अरे क्या कर रहा है? क्या मतलब, तुमसे मशवरा भी नहीं किया? ओहो, देखो तुम अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती हो उनसे, और इतनी बड़ी बात उन्होंने शेयर नहीं की तुम्हारे साथ। हाँ देख लो, अब ऐसी लड़कियां घर में आएंगी तो तुम्हारा आना तो फिर मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, फाजी भी इतना हर्ट हो रहा था, वो कह रहा था कि देखो रूमी को लड़की दिखाई भी नहीं और गुलापा ने फाइनल कर दिए। रूमी? अच्छा, हाँ हाँ, तुम खुद ही बात कर लेना गुलापा से। ठीक है, ओके देन, अल्लाह हाफिज़। डफर ये क्या किया है? बे तेरा मसला हल कर दिया है मैंने। मैं तो कह रहा हूँ भाई तू टेंशन ही ना ले, अब सब कुछ रूमी करवा देगी यार। तू जबरदस्त किस्म की कॉफी मंगवा भाई के लिए, और टेंशन लेना छोड़ दे इस रिश्ते के बारे में बस। बहुत ही कोई शैतानी रूह घुसी हुई है तेरे अंदर। चल कॉफी का टाइम नहीं है, घर जाके पीना। मीनू वेट करिए ट्यूशन पे मेरा घर। चला। हमसे पहले तो रूमी आ जाएगी अब घर। रूमी। लगता है अपनी ना होने वाली मिसेस को ही मैसेज कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग बस बातें ही कर सकते हैं, या मुझ जैसे मासूमों पर रोक डाल सकते हैं। क्या नजरें घुमा घुमा कर देख रही हो? कुछ नहीं, वो मैं फॉर्मूला भूल गया था मुझे। मैथ रट्टे लगाने से नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करने से आता है। हाँ कर रही हूँ इस्तेमाल। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? फाजी भैया आप किससे प्यार करते हैं? ओए यार। प्यार? ओए यार। किस डफर ने बोल दिया तुम्हें? वो मैंने कहा था उसे कि ना फाजी भैया अपनी सारी बहनों से ना बहुत प्यार करते हैं। चुप करके अपना काम करो ना। और तुम भी चुप करके अपनी नोटबुक इधर लाओ। शाबाश। ये क्या है? क्या? ये प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो चोरी नहीं। अरे नहीं नहीं, आप ये देखिए ना। ये डेरिवेटिव फॉर्मूला क्यों गलत लगाया हुआ है? भाई गीजर का पाइप आकर देख ले, लीक कर रहा है शायद। दुरुस्त फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो वापस आके तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूं। हां और भैया और... कैसे प्यार करते हैं ऐसे पूछता कोई भाइयों से? बेवकूफ ना हो तो खुद बढ़िए कलमंद हो, अब लेना इमली मुझसे। अरे चलो। अरे अरे यार, ये फिर बड़ा करके बनेगी। सिक्योरिटी लगाई हुई जैसे एटम बॉम्ब का फॉर्मूला अंदर। बस यहाँ रुकते हैं, यहाँ रुकते हैं, आगे आगे, यहाँ पे बस बस। कौन है? कौन आया यार? तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड 2 भी खत्म होता है, ठीक है। एक ही सस्पेंस था अभी तक, ये सच में किसी से प्यार करता है, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी तक तो एक ही सस्पेंस चल रहा था, लेकिन अब दूसरा सस्पेंस भी आ गया है, जो अभी जिसकी ऑटो में एंट्री हुई है, और जो वो खतरनाक वाली दादी है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हुई है, ठीक है। तो अब वो कौन है, वो किस फैमिली के, मतलब फैमिली तो एक ही है, किस वाले घर के वो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। और मुझे लगता है स्टोरी में और ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, ठीक है। मुझे क्या लगा था कि आयजा खान का ये जो शक है कि इसका अफेयर चल रहा है, इसका किसी और के साथ चल रहा है, मुझे लगा था ये थोड़ा इसी फैमिली लेवल पे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और उसे बेइज्जती डांट वांट कुछ ऐसे पड़ेगी तो, और ये चीज़ रफा दफा हो जाएगी।
जाएगी। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि ये जो फाजी है इसका रिश्ता कहीं पर पक्का हो जाएगा, और आयजा खान की इस शक की वजह से, ये जो इसे लगता है कि ये किसी और के साथ है और बोल नहीं पा रहा है, इसके घर वाले मान नहीं रहे इसकी बात कि मैं किसी और के साथ अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इनकी वजह से उसका रिश्ता, फाजी का रिश्ता टूट जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है एक बड़े लेवल पर आके फिर मुझे लगता है बड़ा पंगा होगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अभी तक का तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एंटरटेनिंग चल रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, मतलब हर एक सीन में एंजॉय कर रहा हूँ, सभी कैरेक्टर्स बढ़िया चल रहे हैं। इस वाले जो अभी हमने 10-15 मिनट का देखा है, इसमें मैंने दादी के सीन थोड़े मिस किए, ठीक है। सिर्फ इसमें एक खास बात है कि जो मेन लीड है सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है। सभी लोग बढ़िया हैं, सभी का कैरेक्टर बढ़िया तरीके से लिखा गया है, और मैंने सभी, सिर्फ इस ड्रामा की बात नहीं करूँगा, बाकी जो कॉमेडी ड्रामा है पाकिस्तान के, मैं उनके बारे में भी एक बात कहना चाहूँगा कि हर एक कैरेक्टर को ना एक अलग तरीके से लिखा गया है। अलग तरीका ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो तो होता ही है, सबका अलग ही लिखा गया होता है, लेकिन सबका एक्सेंट, सबका बात करने का तरीका, सबका बैकग्राउंड पूरा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं लगता कि तीन लोग अगर बात कर रहे हैं तो तीनों सेम है, ठीक है। इस तरीके से लिखा गया है ना कि कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई और कुछ एक्सेंट में बात कर रहा है, सबका लहजा डिफरेंट है, ठीक है। तो मजा आता है ये चीज देखने में। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी चुपके चुपके की तो वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बाय।